बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि अभद्रता की है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां पर सुबह से ये चौथी खबर शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से जब आरोप लगाया गया है, और यमुनापुरम स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल बूथ का ये मामला था, और वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अर्चना जी खड़ी हुई, अर्चना पांडा, वहाँ पर अभद्रता का आरोप लगाया है। मतलब गाली गलौज एक दूसरे के बीच में जो हो जाती है, उस तरह का आरोप लगाया है। ये जो शॉट्स हम देख रहे हैं यमुनापुरम, उसी की तस्वीरें हैं, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, और ये होना नहीं चाहिए। वैसे आपस में पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है, और पार्टी वार्टी, विरोधी पार्टी, पक्षी पक्ष की पार्टी, ये सब चलती रहती है, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है लोकतंत्र में। नेता लोग तो ऊपर ऊपर मिल भी जाते हैं, पहले सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। यही आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव चुनाव जीतना जरूरी नहीं, चुनाव हम जीत चुके हैं, हार ये रहे हैं क्योंकि हमारे प्रत्याशी एक महिला के साथ बदतमीजी। अगर ब्राह्मण की एक संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां, कोई संविधान नहीं है, देश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सुमित, ये क्या खबर आई है इसमें? हम देख रहे हैं एक महिला रो रही है, और ये ठीक नहीं है स्थिति। तो सुमित, साधु, बुलंद शहर के यमुनापुरम स्थित एक बूथ का मामला है ये, और अर्चना पांडा खुद सपा की प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता गुड्डू पंडित की पत्नी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। वहां जब बूथ पर ये गई अर्चना पांडा जो प्रत्याशी है सपा की, तो वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की और उनका मोबाइल भी छीन लिया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है, और वीडियो भी वायरल हो रही है ये पूरी जमकर सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत करने की भी बात कही है। जी तो अभी ये इशू सुलझा कि नहीं, वहां पर पुलिस ने सुलझाया कि नहीं इशू? देखिए, वहां पर अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया जा रहा है, फिलहाल समझाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लिखित में इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। अच्छा, आपसे समीकरण भी पूछ लेते हैं, आप जुड़े हैं तो, वहाँ क्या समीकरण चल रहे हैं? मैंने सुना कि ट्रैफिक व्यवस्था और वो इतने ब्रेकर लगा दिए गए हैं उसमें रिनोवेशन या फिर शहर की खूबसूरती में, तो ब्रेकर ब्रेकर का काम करने लगे हैं, ये इशू है? और कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे अभी जिन पे वोट पड़ रहे हैं? देखिए, देखिए, हमारे अगर बुलंदशहर नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 निकाय चुनावों में भाजपा का प्रत्याशी जीता आ रहा है, लगातार वहाँ चेयरमैन नियुक्त रहा है बीजेपी का, अब की चौथी बार भी पूरी फाइट में नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो जनता वोट कर रही है, वो फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है, सफाई की हो, सड़कों की हो, जो लाइटिंग है उनकी हो, उनको लेकर, उन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक खामियाजा भी भुगतना भाजपा को पड़ सकता है। जी, इसका क्या मतलब है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन नगर पालिका के पूर्व में रहे हैं, तो पब्लिक की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। जी चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका।